Hi, assalamu alaikum friends and welcome to Raja Rahman Official. Today हमारा जो tutorial है वो Adobe Illustrator का second part है, जिसमें हमारा topic है वो है panel and workspaces. Adobe Illustrator के panel and workspaces के बारे में हम जो से आज बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं और उनको किस तरह से हम use कर सकते हैं. Workspaces बेसिकली सब लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ. एक Adobe Illustrator ओपन वर्क स्पेस जो है वो आप जिस मतलब कि आपने अपने सारे टूल्स पूरे किए हुए हैं और एक वर्क स्पेस क्रिएट किया हुआ है, जितने भी टूल्स हैं अपने टूल्स को आप मैनेज कर सकते हैं Adobe Illustrator में, अपने वर्क स्पेस को अपने तरीके से अपने हिसाब से जो है स्क्रीन के मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ जो सी अवेलेबल हो डिज़ाइनिंग के दौरान, मतलब कि आप अपने वर्क स्पेस को कस्टमाइज़ कर लें, आपको जिस टूल की ज़रूरत हो उसको आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह पे सेट कर सकते हैं. जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं सबका अपना ही वर्क स्पेस होता है, Adobe Illustrator या हो या Adobe Photoshop हो. मैं लास्ट फाइल जो सी हमने डाउनलोड की थी मैं उसको ओपन करूंगा, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर एक क्रिएट किया था. ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. ये ऑलरेडी यहाँ पे फ्रंट पे शो हो रही है. तो ये फाइल हमारी ओपन होगी. अच्छा, अगर आप ये ऊपर जो सा है नज़र दौड़ाएँ तो आपके पास ये ऊपर एक और ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात नहीं की. इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है. अगर मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस चेंज हो गया हमारा, ये चीज़ें यहाँ से बाहर आ गई, यहाँ से बाहर आ गई, टूल्स चेंज हो गए हैं. इसके बाद नीचे ट्रेसिंग है, टाइपोग्राफी, ये लेआउट जो सा है ये बेसिकली इंटरफेस है. जिस हिसाब से आपने जो सा है डिज़ाइनिंग करनी है उस हिसाब से आप अपने इंटरफेस को जो से चेंज कर सकते हैं. अगर आपने पेंटिंग के लिए करना है तो आप पेंटिंग के लिए कर सकते हैं, और वेब के लिए जिस चीज़ के लिए भी आपने करना हो उस हिसाब से जो सा ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देता है. तो Adobe Illustrator में जो सा आप इंटरफेस को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो मैं भी जो सा अपनी ही मर्ज़ी से जो सा है इसका इंटरफेस वो कस्टमाइज़ करूँगा, और आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप जो सा मेरे वाला जो सा इंटरफेस है उसको जो सा उस तरीके से इसको कस्टमाइज़ करें, ताकि आपको भी जो सा जितने भी वेरियस टूल्स हैं उनके बारे में पता चल जाए कौन सा किधर यूज़ करना है. तो सो आई एम अरेंजिंग इन माई ओन वे, जो मेरा अपना तरीका है मैं उस तरीके में जो सा इसको सेटअप करूँगा. फर्स्ट जो सा आपने ऊपर जाना है, यहाँ से असेंशियल्स पे क्लिक कर देना है. तो असेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सब जो सा इस तरह ओके हो गया. अब इसको आपने क्लोज कर देना है. इसमें आपको सॉरी ये अपडेटेड वर्जन है तो इसमें जो सा वो ऑप्शन नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स क्लोज करके भी. मैंने वो डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिए, असेंशियल्स पर क्लिक कर देना है. असेंशियल पर क्लिक किया तो ये हमारे पास इंटरफेस आ गया, पर हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है. अब आपने सबसे पहले करना क्या है, इस पर क्लिक करना, सॉरी इस पर क्लिक करके इसको इधर ड्रैग कर देना, और इसको भी इस तरह करके इस तरह. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सा आइकन पे क्लिक करें और उसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लें. ये जो सा एक्सपेंड पैनल का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पैनल एक्सपेंड हो जाएगा. ठीक है, इसको भी आप इस तरह करके ले आएँ, इसको भी एक्सपेंड कर दें. ट्रांसपेरेंसी इसको भी आप इस तरह करके ले आएँ. अब मेरी स्क्रीन छोटी है, मुझे बहुत ज़्यादा इश्यू होगा, लैपटॉप पे मैं ट्यूटोरियल क्रिएट कर नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम है. चलें, गुजारा करना है, सीखना तो है किसी भी किसी तरीके से. नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना, इसको भी ड्रैग करके इधर ले आना. तो आप देख सकते हैं यहाँ से राइट साइड पे जितना भी हमारा पैनल था वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ गया.
और अब हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को भी अलग अलग करना है। ये ब्रशेस लिखा हुआ है, ब्रशेस पे क्लिक करके इसको भी अलग कर देना, अपीयरेंस इसको भी अलग, हर एक को जो उनसे अलग अलग कर देना, ट्रांसपेरेंसी, आर्ट बोर्ड्स, लेयर्स वगैरह जो कुछ भी जितना कुछ भी है सबको अलग कर देना। ये सब अलग करने के बाद हमने इनकी अब सेटिंग करनी है। वो सेटिंग किस तरीके से करनी है, यहाँ पे एक ग्रेडिएंट वाला है, एक ये ग्रेडिएंट वाला, इसको आपने यहाँ पे ग्रेडिएंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे स्वेचिस के नाम से ऑप्शन है, या ग्रेडिएंट को ये स्वेचिस का ऊपर ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर लेकर आना है, यहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा। जब ब्लू कलर हो तो वहाँ पे आपने इसको क्लिक करके छोड़ देना है, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा स्वेचिस ग्रेडिएंट, ठीक है। उसके बाद एक कलर का पैनल है, ये कलर का पैनल है, इसको आपने इसी तरह ही ला के यहाँ पे इस तरह करके छोड़ देना। फिर कलर गाइड, ये कलर गाइड का है, आपने इसको ड्रैग करके इसके अंदर डाल देना। तो ये चार हमारे पास इधर हो गए हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमने करना है ब्रशेस को, ये ब्रशेस वाला जो सा पैनल है इसको उठा के स्ट्रोक वाले में डाल देना, और देन अपीयरेंस वाला भी उठा के इसी के अंदर डाल देना है। ट्रांसपेरेंसी जो सा टैब है, वेयर इज़ द ट्रांसपेरेंसी टैब, या ये ट्रांसपेरेंसी है, इसको भी आपने इधर ला के इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। नाउ आपने स्वेचिस को लेयर्स के अंदर ऐड करना है। इसमें एक स्वेचिस का होता है, वो इसमें शो नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, ऊपर विंडो है, विंडोज़ में आपने जाना है, यहाँ पे एस के पैनल में आएंगे, स्वेचिस, इस पर आपने क्लिक करना है। कंट्रोल जेड, व्हाट हैपेंड देयर, तो ये स्वेचिस का है, स्वेचिस को जो है हमने उठा के इधर लेयर्स वाले ऑप्शन में इनपुट कर देना है, ठीक है। और देन स्ट्रोक वाला है एक ऑप्शन, व्हाट्स द हेल हियर, ओह सॉरी, स्वेचिस का इधर ही इनपुट रहने देना और स्ट्रोक भी इधर है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये स्वेचिस वाला इसको आपने इस हिसाब से सेट कर लेना है, यहाँ से आप पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो लेयर्स वाला ये ऑप्शन है इसको इसके अंदर यहाँ पे, यहाँ से आप ऊपर से, ऊपर वाली जो सी जगह है इसकी, वहाँ से टॉप से पकड़ेंगे, इसके नीचे आप लेकर आएंगे तो ये ब्लू लाइन आ जाएगी, आपने इसके अंदर इनपुट कर देना। और देन ये स्ट्रोक वाला है, स्ट्रोक वाले को इसके अंदर पुट कर देना, तो ये हमारे पास तीन का पैनल हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने सिर्फ ये आर्ट बोर्ड को इसके अंदर फिट कर देना है लेयर्स वाले ऑप्शन में, और बाकी जो से हैं उन सबको डिलीट कर देना है, ठीक है। और अब आपने यहाँ से इसको पकड़ के सेट कर लें, और इसको यहाँ से ऊपर से पकड़ के, अब अगर ऊपर से पकड़ते हैं तो अब ये सारे एक ही टाइम पे मूव हो रहे हैं, तो अब आपने यहाँ से इसको पकड़ के इस तरफ ला के यहाँ पर सेट कर देना है। अब आपने ऊपर विंडोज़ में आना है, यहाँ पर एक पाथ फाइंडर का होगा ये, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको यहाँ पे लेकर आना, और इसमें से भी ये सारी जो से हैं अलग कर लेने हैं आपने, ठीक है, ओके। इसमें से आपने ट्रांसफॉर्म टैब जो सा है उसको क्लोज कर देना है, और देन जो सा पाथ फाइंडर को यहाँ से यहाँ पे ले आना है, और इसके साथ ये अलाइन वाला जो सा है ये इसके साथ उठा के इसके अंदर फिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास स्पेस कम रहेगी है तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक और टूल की ज़रूरत है, आपने विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे दोबारा विंडोज़ में आके यहाँ पे इन चीज़ों को सेट करना भी काफ़ी मुश्किल है। टाइप के अंदर आपने आना है, यहाँ पे
ये करेक्टर पैनल है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे ले आना है और इसको जो सा है यहाँ से डायरेक्ट इसी तरह का जो सा है इसको यहाँ पे लॉक फिट कर देना है। और इसके बाद हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, विंडोज़ में जाना है, यहाँ पे लिंक्स का है ये वाला ले आना है, और एक और है इमेज ट्रेस का, दोबारा विंडोज़ में आए और यहाँ पे ये इमेज ट्रेस है। तो ये हमारे पास इमेज ट्रेस दोबारा से आ गए जो कि ऑलरेडी हमने क्लोज़ कर दिया था। यहाँ पे इन दोनों को आपने अलग कर देना है और एक्शंस वाले को जो सा वो डिलीट कर देना है, लिंक्स वाले को उठा के आपने आर्ट बोर्ड के साथ जो सा है फिट कर देना है। और देन इसके बाद ये इमेज ट्रेस है, इसको आप यहाँ पे जो आपको सूटेबल लगे आप उस जगह पे इसको इनपुट कर दें। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। मेरे पास जगह कम है पर कोई नहीं, खैर है, गुजारा तो करना है किसी भी तरीके से। तो ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने ये आपका इंटरफेस क्रिएट हो गया, आपने जो सा आप इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपने विंडोज़ में दोबारा जाना है यहाँ पे। ओके ओके ओके, टॉप पे आ जाना, यहाँ पे वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस में आप जाएंगे, यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस पे आपने क्लिक करना है। न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने वर्क स्पेस का नाम दे देना है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो सा एडोब इलस्ट्रेटर कोर्स, ठीक है, ये टाइप करके ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा सेव हो गया। अब आप ऊपर राइट नाउ जो सा ऊपर जाएं तो ऊपर आपको शो हो रहा है कि ये नेम चेंज हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर कोर्स आ गया है। दोबारा से अगर एसेंशियल पे करना चाहें तो एसेंशियल्स पे आ जाएंगे, ट्रेसिंग वट एवर डू यू वांट आप उसको चेंज कर सकते हैं। पर अब हमने जो सा अपना जो सा क्रिएट कर लिया है एडोब इलस्ट्रेटर कोर्स का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हम वापस अपने जो सा उसी इंटरफेस में आ गए हैं। तो ये हमारा था आज का इंटरफेस का जो सा था ट्यूटोरियल था, और इसमें जो सा मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि इन चीज़ों का नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। खैर, मैंने ये किसी न किसी तरीके से ये ट्यूटोरियल क्रिएट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आज की ट्यूटोरियल में बस इतना ही, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप 19 वीडियोस में कवर करना है। तो आप इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करें, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में अपने फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दिया था, आप मुझे वहाँ पर जो सा है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।